और आज पीएम मोदी कर्नाटक के उसी बेल्लारी में चुनावी सभा को करने पहुंच रहे हैं जहां दो दिन पहले राहुल गांधी राजपूत के समाज माजा महाराजाओं को तानाशाह और जमीन हड़पने वाला बताकर अपमान किया था। अब जाहिर है आज राहुल गांधी को पीएम मोदी से करारा जवाब भी मिलने वाला है। हालांकि राहुल को जवाब देने की शुरुआत पीएम मोदी ने कल ही कर दी थी और पीएम ने राहुल के बयान को सेल्फ गोल करार दिया था। कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रैक रिकॉर्ड में एनडीए की बराबरी नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के दो सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है फिर एक बार और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि राजपूतों के अपमान वाले राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। अब बीजेपी तक के तमाम नेता राहुल के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी राजपूतों का अपमान करने वाले राहुल के इस बयान को शेयर करते हुए पूछा है कि राहुल गांधी अपने इस आपत्तिजनक बयान पर राजपूत समाज से कब माफी मांगेंगे। तो बीजेपी की ओर से अब लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा जा रहा है। बीजेपी ने पूछा है कि आखिरकार राजपूत समाज का जो अपमान राहुल गांधी ने किया है, इसको लेकर राहुल गांधी कब राजपूत समाज से माफी मांगेंगे। तो यहां पर ट्वीट किया है अमित मालवीय ने, जो सोशल मीडिया सेल के हेड हैं, आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के, और उन्होंने सीधा टारगेट किया है यहां पर राहुल गांधी पर और साथ ही कांग्रेस पर, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो बीजेपी को घेर रही थी पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर, और यही वजह थी कि पुरुषोत्तम रूपाला के जैसे ही घिरने के बाद आज वो समाज जैसे उसके खिलाफ इकट्ठा हुआ, वहां से परेश धनानी को मैदान में उतारा गया कांग्रेस की ओर से, यह समझते हुए कि हो सकता है फायदा मिले, लेकिन अब पासा पलट गया है।